एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान शहर के श्रीनगर में राजद कार्यालय का उद्घाटन राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने फीता काट कर किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरी काक्ष मंगला ये तनो हरे सिवान जिला राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के चुनाव मुख्य चुनाव कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन हुआ और अब ये कार्यालय निरंतर गति से एक केंद्रीय बिंदु हो गया। यहाँ से संचालित पूरा जिला का जो ऑफिस है हो गए और सारे लोगों को नियंत्रण यहीं से किया जाएगा। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद सारे कार्य जो है चुनाव के वो सभी यहीं से होंगे? सभी कार्य यहीं से होंगे। मुख्य जो चुनाव प्रधान कार्यालय जो इसीलिए होता है कि लोग समझेंगे कि हमारा प्रधान कार्यालय अमुक जगह यहीं पर है और जो भी संचालन होगा हाँ हर प्रखंड में एक एक कार्यालय। समय काफी कम बचा है आज प्रधान कार्यालय को उद्घाटन। बहुत जगह खुल गया है प्रखंड कार्यालय खुल गया है। हाँ बहुत जगह खुल गया। सर सुशील मोदी के देहांत से एक सामाजिक नेता थे, हम लोग दुखी हैं। हम उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवारजनों को काफ़ी शांति मिले इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना किया गया। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं अल्लाह से और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ कि हमारे अवध बिहारी चौधरी जी 2024 के सांसद सिवान के बने और पूरा जनता पे भरोसा है। अब पूरा जनता इनको प्यार दे रही है और सिवान में जितना ज़्यादा जनता खुश है पूरे जगह और पूरे मतलब डोर टू डोर हम लोग घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान और अल्लाह हमको बहुत जल्दी फल देने वाले हैं। और 2024 के सांसद सिवान के अवध बिहारी चौधरी जी हैं, अब की बारी अवध बिहारी पाएंगे जी। वोटर को कैसे एकजुट कर पाएंगे? जैसे बूंद बूंद तालाब भरता वैसी मेरे वोटर भी। रिस्पांस कैसा मिल रहा है जनता के बीच? माशाल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये अब जान जी इतना अच्छा मिल रहा है कि जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं एकदम ओके हैं। लेकिन एनडीए लोग प्रत्याशी भी दमखम के साथ मैदान में है तो क्या? देखिए हमारी लड़ाई संविधान से है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, आरक्षण बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। हमारी लड़ाई डायरेक्ट मोदी जी से है, ठीक है। ये संविधान है, यहाँ पे चुनाव लड़ने बहुत लोग ऐसे हैं कि वोट कटवा खड़ा हो गए हैं, वोट काटने के लिए खड़े हैं, कोई मुश्किल नहीं है, संविधान है, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ पे, ये जान जाइए। राष्ट्रीय जनता दल के आज प्रधान कार्यालय का उद्घाटन माननीय प्रत्याशी के आवासीय प्रांगण में हुआ है और कार्यालय का उद्देश्य यही होता है
कि जो भी चुनाव के कार्य हो उसका एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है जिससे चुनावी कार्य को कंट्रोल किया जा सके। देखिए क्षेत्र में एक अपार लहर और लोगों के अंदर ये भावना है कि हमें जो पावन मतदान 25 तारीख को करना है वो एक अच्छे और साफ सुथरे छवि के प्रत्याशी के पक्ष में करें, इसके लिए मतदाता मालिक तैयार है और चुनाव की उस बेला का आप बहुत करीबी रहे हैं और क्षेत्र में जिस तरह एमएलसी को लोग भारी मोर्चे बनाए थे समर्थन करेंगे। बिल्कुल समर्थन क्या मतलब, एक समझिए कि जीत सुनिश्चित है हमारे प्रत्याशी का जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और लोगों के अंदर अब तो बिल्कुल लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी जो जीते वो बिल्कुल निष्पक्ष साफ सुथरे छवि के हो और काम करने वाला हो, अनुभवी हो। तो हमें तो गर्व और गुमान भी है कि मेरा प्रत्याशी जो है साफ सुथरा छवि का है, अनुभवी है और उसको लोकतंत्र और संवैधानिक कार्यों का बहुत अच्छा और गहरा अनुभव है। आज चुनावी प्रक्रिया में एक अंग है प्रधान कार्यालय, जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक आते हैं तो वहाँ से आगे की रणनीति तय होती है, आगे का दिशा निर्देश मिलता है। इसीलिए आज चुनाव बनिया समाज जो है हम लोग ये सबको समझा रहे हैं कि आज सबसे साफ सुथरा चरित्र के प्रत्याशी राजद के हैं और बिहारी चौधरी जी, उनको वोट दें, उनको विजयी बनावे, चूँकि बनिया समाज का मान सम्मान रह सके। यह कार्यालय का उद्घाटन एक औपचारिकता मात्र था, यह तो सालों भर यह कार्यालय खुले रहता है और शहर के जितने भी लोग हैं जिनकी जो भी समस्याएं होती है, ऐसा दरवाज़ा है कि कभी बंद ही नहीं होता है पूरे ज़िले के लिए। और जब अध्यक्ष थे तो सिवान गोपालगंज छपरा पूरे बिहार के लिए कार्यालय खुले रहता था और जो कुछ भी जो कोई समस्या लेकर आते थे उसका यहाँ से निष्पादन किया जाता था। आज कार्यालय मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ प्रधान कार्यालय का, और हम लोग के जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के, इनका कोई टक्कर नहीं है सिवान में। 2024 में जो जो चुनाव लड़े हैं जनता विचार कर रही है कि ना, और बिहारी चौधरी जी जन जन के नेता हैं, रहे हैं लगभग इनके 40-45 बरस से प्रतिनिधि हैं, काफ़ी अनुभव है। और यह जो चुनाव हो रहा है यह लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यह कोई पंचायत का चुनाव नहीं है कि विजय लक्ष्मी जैसे उम्मीदवार को जनता वोट दे देगी और जो लोग निर्दलीय है, जो लोग भेट कटवा लोग हैं उन लोगों को लोग पहचान गई है। सिवान की जनता एक तरफा इस बार श्री अवध बिहारी चौधरी जी को वोट देने जा रही है। जो हम लोग को रुझान मिल रहा है, जो गांव देहात में हम लोग रहने वाले लोग हैं, सभी लोग कुछ जो मनचले टाइप के लोग हैं जो अच्छे विचार को समर्थन नहीं करते वही लोग इनसे अलग है, बकिया सारे सिवान की जनता तक है वह राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने जा रहे हैं लोग। इतिहास कायम होगा इस बार कि लालटेन इतना वोट से कभी चुनाव सिवान में नहीं जीता था जितना बार इस बार। चलिए कि यह समुंदर का चुनाव है, यह कोई विधानसभा एक विधानसभा और जिला परिषद का चुनाव नहीं है। यह लोग किसी एक गांव दो गांव में हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, एक से दो तीन चार गाँव में, लेकिन जहाँ 1000 गांव की चुनाव हो रही है तो 1000 में लोग भुला जा रहे हैं, उसको ना जा रहे हैं तो पता लग रहा है इसको ना कोई नामे लेने वाला नहीं है। लेकिन और जो 5 MLA और 1 MLC और एक हम लोग MLA ही मानते हैं अमरनाथ यादव को, जो दरौंदा से थोड़ा है चुनाव से हार गए, तो समझिए 6 विधायक 1 MLC 7 चुने हुए प्रतिनिधि हम लोग के साथ हैं और इस 6 गठबंधन के वोटर हम लोग के साथ हैं और एक अच्छे इंसान को टिकट राष्ट्रीय जनता दल दिया है। तो इस आधार पर हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग काफ़ी वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं महागठबंधन से। कि मेरा द्रौली प्रखंड में घर है, मेरा नाम है जितेंद्र कुशवाहा उर्फ गांधी जी लोग कहते हैं हमको, मैं MLC प्रतिनिधि भी हूँ। आप लोग द्रौली के सर्वेक्षण कर लीजिए कि वहाँ हम कितने वोट से आगे चल रहे हैं, ठीक है। मैं वहाँ 80% हुआ, 20% में लोगों है, मेरा वोट का रफ्तार देखते हुए मेरे दहन बाई वहाँ द्रौली के मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा जो माले के नेता है उन पर कल सीसीए लगाकर नोटिस भेजा गया है। दो बार के वो मुखिया है
और अभी वर्तमान में मुखिया है, उनको एक भी केस नहीं है जिस पर उन पर चार्ज है। सब जितना केस था सब बरी हो गए हैं। उसके बावजूद हम लोग के कार्य की शैली देखते हुए भाजपा ने, मनोवादियों ने उन पर CCA किस तहत लगाकर नोटिस किया है। इसका आंदोलन बहुत होने वाला है, लेकिन अब चुनाव के बाद हम एकजुट है भाई। वहाँ दरौली में हम महागठबंधन का इतना ताकत है कि वहाँ से लोग सीख लेते हैं, पूरे जिले में कहीं से आप पता करिए। आप यहाँ से बहुत लोग निकल कर निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी कहेगा कि हम राजद के हैं। वैसे नहीं होता है भाई, वैसे नहीं होता है। आप लोग खुद बुद्धिजीव है, आप लोग से क्या बताना है। जो अलग हो गया, अलग झंडा पकड़ लिया, वो कहेगा कि हमें वो उतना दिखे। ये भ्रमित करने वाली बात है। ये सब गांधी की आंधी चलेगी, एकदम चल चुकी है कि चलेगी। बुढ़िया आनी देखिए, हम लोग देहात कर आने वाले हैं। बुढ़िया आनी जो है ना, पुराने लोग बताते थे, वो बुढ़िया आनी चल चुकी है। एक भी झोपड़ा झोपड़ी बचने वाली नहीं है विपक्षों की, सब उड़ जाएगी। देखिए, हम आप लोग जानते ही हैं कि माले को माले किस तरह से संघर्ष करता है। हर समय गरीब मजदूर दलितों की लड़ाई हम लोग लड़े हैं, और इस बार भी माननीय अवध बिहारी चौधरी को जिताने के लिए हम गाँव कैंपेन कर रहे हैं। हम लोगों टीम लेकर के कैंपेन कर रहे हैं और गाँव के गरीबों को बता रहे हैं। और जीरा दुरावधा में माले बिल्कुल अपने ताकत पर जिता कर और माननीय अवध बिहारी चौधरी को भेजेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना ना, वो गलत लोग कह रहे हैं। माले का वोट आज तक ना कटा है ना बटा है। माले के वोट जो है, जो गिरता है वो मजबूती से एक के पक्ष में गिरता है। अरे ना, कहने वाले लोग कहेंगे, 4 तारीख तक लोग कहेंगे, 4 तारीख को छूलने दीजिए, भी पता चल जाएगा कौन 1 नंबर रहेगा और कौन 3 नंबर रहेगा। इस बार जो 3 नंबर पर है वो 3 नंबर वास्तव में जाएगा, और जो 1 नंबर पर है वास्तव में 1 नंबर पर रहेगा। क्योंकि जनता के से बीच में पूछिए, अब कहीं जा रहे हैं हम लोगों ने, हमारे गाँव का ही बगल का उजाएँ 50 लोग भी महज नहीं थे, जिसमें आपके भाजपा के लोग हैं, आपके जदयू के लोग हैं, आपकी केंद्र में सरकार चले, वहाँ 50 लोग भी इकट्ठा नहीं होते हैं। आप लोग पूरी तरह से एकजुट हैं? हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं, और जनता भी एकजुट है। जिस गांव में हम लोग वोट मांगने तक नहीं गए, वहां की जनता करेगी कि इस बार हम लालटेन छाप को देंगे। क्योंकि देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश का संविधान खतरे में है और संविधान आरक्षण खतरे में। तो इन तमाम एजेंडाओं के लिए अवध बिहारी चौधरी जी को